He also has the credit for arranging popular film songs like Chhappa Chhappa and Mehboob Mere and many, many others. Please put your hands together for R.S. Maniji. भी थोड़ी मुश्किलात दौर से गुजरी है. कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये साल थोड़ा अच्छा नहीं गया, बट ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. मुझे लगता है 2019 बहुत ही कमाल का रहने वाला है. और लाइफ में हम हमेशा सोचते हैं कि यू नो कुछ प्रॉब्लम्स होती है कुछ, बट ज़िंदगी यही है कि हमें कैसे किस तरह से हम जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको किस तरह से हम टैकल करके आगे बढ़े, वही ज़िंदगी है. और मुझे पूरा यकीन है आज 2018 की आज लास्ट आखिरी रात है. पूरा यकीन है 2019 बहुत ही खुशहाल हो जाएगा, खुशहाल रहेगा. और उसी को हम सेलिब्रेट करने आज जा रहे हैं हार्ट टू हार्ट में. एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट जो एडी वेंचर्स प्रोडक्शंस ने डिज़ाइन किया है कि किस तरह से म्यूज़िक को बढ़ावा दिया जाए. ऑफ़ कोर्स सबको पार्टी का मूड होता है, सबको न्यू ईयर्स ईव धूमधाम से शोर शराबे से मनाना है, लेकिन म्यूज़िक की अहमियत क्या रखती है हम सब की ज़िंदगी में, उसी को हमने बढ़ावा किया है, उसी को बढ़ावा दिया है. और यही सोच कर किया है कि ये इस साल नहीं बल्कि हर साल इसी तरह से न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट होना चाहिए, जहाँ पर म्यूज़िक की अहमियत ज़्यादा बढ़ती रहे. इसी सोच विचार से हमने इस चीज़ का एक आरंभ किया है. और ये पहली बार न्यू ईयर्स ईव एडी वेंचर्स प्रोडक्शंस के साथ हम काम कर रहे हैं. और उम्मीद करते हैं कि हर साल
इसी तरह से हम जुड़े रहे उनके साथ। सर आपसे जानना, हमने बहुत सारे हिट गाने बनाए, फिल्म है जैसे रब ने बना दी जोड़ी है, डांस पे चांस, कुर्बान जिसके काफ़ी सारे अच्छे गाने थे, फैशन जो हमारी सबसे बड़ी फिल्म थी उस वक्त की, ऐसी काफ़ी सारी फिल्में हैं जिसके गाने हम बजाएंगे और फिर एंड में एक ऐसा धमाकेदार मेडले करेंगे जाकि सब लोग डांस कर सके और एंजॉय भी कर सके। एंड कैसा रहा एसोसिएशन एडी वेंचर के साथ? बहुत ही कमाल का रहा, आई फील लाइक यू नो दिस इज, ये जस्ट शुरुआत है, ये अभी जाके देखेंगे अभी क्या क्या होता है। इन्होंने तो काफ़ी काम कर लिया है, पूर्वी और अमैया ने अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारा काम किया है, पहली बार सलीम सुलेमान के साथ जुड़े हैं और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे भाई का, योगेश भाई लखानी का, हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं चाहे कुछ भी हो, इवेंट वो म्यूजिकल इवेंट हो, फिल्म का इवेंट हो, किसी का प्रमोशन हो, कोई आर्टिस्ट एल्बम लॉन्च हो, कोई इवेंट हो, हमेशा 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 सपोर्ट करते हैं और हमारी दुआएं हैं ब्राइट एडवर्टाइजिंग के लिए, ब्राइट मीडिया के लिए कि हमेशा इसी तरह से ब्राइट रहे, चमकता रहे और योगेश भाई का हमेशा हमारा सपोर्ट हमेशा साथ है। सर आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं आज की शाम को लेकर, कैसा रहा एसोसिएशन? शाम को लेकर तो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि सलीम सुलेमान इन माय माइंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, कंपोजर्स, अरेंजर्स, टेलीविजन एंकर्स, आप नाम लो उतना कम है, सारे सारे स्पेक्ट्रम में उन्होंने काम किया है। एंड पूर्वी एंड आई जब हमने सोचा कि हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए तो सबसे पहला नाम हमारे मन में आया कि सलीम सुलेमान से साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए एंड कोलैबोरेट करना चाहिए, एंड लकीली दैट डेट वाज अवेलेबल एंड within 5 seconds of me telling them this unhone agree kiya, so we are very happy that they agreed to it. Aur ye sabke piche main bhi when I'm performing the whole idea is ki families ko lekar ek mahol bane jisme log apne ghar walon ke sath bahar aa sake, to hame parhez nahi hai jo people who want to have fun in any other way, but hamara ye thought tha ki yahan pe aake kuch alag kare which is not available in Bombay. Correct. कर रहे हैं कि आई थिंक दिस इज द ओनली पार्टी इन बॉम्बे जहाँ पे कुछ डिफरेंट हो रहा है, सो बेसिकली इट्स अ नो नॉन वेज एंड नो बूज पार्टी, सो वो अलग बात है, नो अल्कोहल, स्नूज द बूज इज द टैगलाइन, लेट अस ऑल एंजॉय good music and get high on music. Yes, that's the plan. Yes, and wishing everybody a great new year and a happy 2019. Yogesh bhai kya bolenge? First of all to aapne pucha 2019 kaisa rahega, to bright isliye bright rahega. Ek aur dusra, main Bombay ke 15 new year ka kaam karta hu lekin main sirf 8 saal se kidhar nahi jata hu, mandir ya ghar ya maa baap ke sath न्यू ईयर बिताता हूँ, लेकिन ये बार इन्होंने बोला नो अल्कोहल और नो नॉन वेज है, तो ये मैं जैन हूँ तो मुझे इतना कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि मैंने सब छोड़ के इस कॉन्सेप्ट में आने का सोचा। 8 साल के बाद मैं पहली बार आ रहा हूँ 31st मनाने को, प्लस मेरे को जितने भी फोन्स आए मेरे दोस्त लोग के सिर्फ इनके पास के लिए आए, तो इनका पास का रियली बहुत डिमांड है और ये शो का भी बहुत डिमांड है, तो मुझे सुलेमान है तो और ही डिमांड। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतने बड़े एक प्रोग्राम का एक हिस्सा हूँ और सर के साथ कल ही हम लोग अंबानी फैमिली में एक कजिन की शादी में थे, सर का परफॉर्मेंस और मैंने इनका भी देखा, बहुत अच्छा काम है कल। वेल मैं यही कहूँगा कि जितनी भी मुश्किल से 2018 गुजरा है उसको वो सब ठीक ठाक है, मैं हमेशा देखूंगा कि हमेशा यही सोचता हूं, पॉजिटिव सोचता हूं कि हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और सोचेंगे कि जो भी अच्छी चीज़ें हमें प्राप्त हुई है इस साल में उसका शुक्रिया अदा करेंगे और उसी सुर में शुक्रन अल्लाह वाला हम्दुलिल्लाह शुक्रन अल्लाह हैप्पी न्यू ईयर। Okay, very happy new year. Wish you all a very happy new year. Thank you.